हिंदी सिनेमा में खूबसूरत हसीनाओं की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे रहे जिन्हें ये जमाना कभी नहीं भुला सकता। ऐसे ही बेपनाह खूबसूरत और हसीन अदाकारा थी मधुबाला, जिनके चाहने वालों की संख्या आज भी कम नहीं हुई है। तो दोस्तों, 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला के बचपन का नाम था मुमताज जहां देहलवी, उनके पिताजी का नाम था अतुल्ला और माताजी का नाम था आयशा बेगम। तो चलिए, आज के दिन यानी मधुबाला के जन्म के दिन हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक बातों से रूबरू कराते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट चैनल लाइफ और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। तो वैलेंटाइन के खूबसूरत दिन पर जन्मी मधुबाला को अगर इश्क का दूसरा रूप कह दें तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मधुबाला के जन्म से ही दिल में छेद था और डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी में उन्हें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन घर की मजबूरियों को लेकर मधुबाला को काम करना पड़ता था। फिल्म बसंत से बॉलीवुड में कदम रखने वाली मधुबाला की खूबसूरती और लोकप्रियता का आलम देखिए कि ऑस्कर अवार्ड विनर निर्देशक फ्रैंक कापरा मधुबाला को हॉलीवुड में ब्रेक देने का मन बना चुके थे, लेकिन अब मधुबाला ने मना कर दिया। मधुबाला का बाहरी शरीर जितना खूबसूरत था, अंदर से उनके शरीर में उतनी ही समस्याएं थी। उनके सिर्फ दिल में छेद ही नहीं बल्कि उनके फेफड़ों में भी परेशानी थी। दोस्तों, इसके अलावा उन्हें एक और गंभीर बीमारी थी जिसमें उनके शरीर में आवश्यक मात्रा से ज़्यादा खून बनने लग जाता था और फिर ये खून उनकी नाक और मुंह से बाहर भी आने लग जाता था। मधुबाला को उनकी बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया था कि 9 साल तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही। हालांकि डॉक्टर्स के हाथ खड़े करने के बाद भी 9 साल तक मधुबाला जीवित रही, लेकिन जीवन के आखिरी 9 साल उन्होंने अकेले में ही गुजारे। दोस्तों, मधुबाला का नाम बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार से भी जोड़ा जाता है। फिल्म मुगले आजम में जैसी केमिस्ट्री दिलीप और मधुबाला ने दिखाई वो महज अभिनय नहीं था, वे उनका इश्क था। मधुबाला को लेकर दिलीप कुमार ने कहा था कि मैं उनसे हमेशा प्यार करूंगा। अपने जीवन के आखिरी समय में मधुबाला बेहद अकेली पड़ गई थी। उस वक्त बेहद कम लोग ही उनका हालचाल लेने जाते थे। 23 फरवरी 1969 को दिल की बीमारी की वजह से महज 36 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों की इस खूबसूरत हीरोइन ने दुनिया को अलविदा कह दिया था।